हाय एवरीवन, आज मुझे इस रूम में शूटिंग करनी पड़ रही है क्योंकि उस वाले रूम में मैं नहीं कर पाऊँगी आज नेचुरल लाइट में, क्योंकि वहाँ थोड़ा गली में काम चल रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और वो रूम मेरा थोड़ा अटैच्ड है, तो इसलिए गली की आवाज़ ज़्यादा, जो भी कुछ होता है तो आवाज़ बहुत तेज़ आती है। इसलिए आज मैं इस रूम में शूटिंग कर रही हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं आगे उसी रूम में शूटिंग करूँ नेचुरल लाइट्स में, बट आज थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। तो आज हम जिस पे वीडियोज़ बनाने वाले हैं वो लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र के ऊपर होने वाला है। तो चलो विदाउट किसी बकबक के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे हाथ में लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। ये काफ़ी आपने एड्स में भी देखे होंगे और बहुत सारे रिव्यूज़ में भी देखे होंगे, और जैसा कि मुझे मैंने इसे बहुत बार लगाया है ऐसा नहीं है, बट अगर मैं बात करूँ कि मैं इससे पहले भी एक मॉइस्चराइज़र आपको शेयर कर चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ पे, फर्स्ट वीडियो मेरी वही है जो कि पॉन्ड्स की है और ये वाली लैक्मे की है। तो मैं आपको डिफरेंस बताऊँगी उसमें क्या फ़ायदा है और इसमें क्या फ़ायदा है। बेसिकली ये वाली जो लैक्मे की जो पीच मिल्क विटामिन ई क्रीम मॉइस्चराइज़र है ये काफ़ी अच्छी है गाइस, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छी बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैंने इसे यूज़ भी किया है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपकी फेस ज़्यादा ड्राई है तो आप इसे नहीं यूज़ करो, क्योंकि उतना ज़्यादा आपको मॉइस्चर नहीं देगा। ओवर अगर ड्राई है तो कभी कभी मेरी सर्दी में जब ओवर ड्राई हो जाती तो मुझे ये मैंने लगा कर देखा तो फिर भी मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे व्हाइट पैचेस हो जा रहे थे, फिर भी मुझे क्रीम्स लेके अलग से लगाना पड़ रहा था ताकि मेरा स्किन मॉइस्चराइज़र। कभी कभी मेरे साथ क्या होता है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, कभी ऑयली हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चल पाता कि मेरी स्किन किस टाइप की है। कभी मुझे लगता है मेरी स्किन नॉर्मल है, कभी मुझे लगता है कॉम्बिनेशन है, मैं इसी में कन्फ्यूज़ रहती हूँ। तो बात कर रहे थे कि ये क्रीम किसे यूज़ करना चाहिए और किसे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है तो आप इसे ले सकते हो, और अगर आपकी स्किन हल्की हल्की ड्राई है, मतलब ओवर ड्राई नहीं है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा वर्क करता है। और सबसे अच्छी बात ये लगी है मुझे कि जब भी मैं इसे लगाती हूँ ना तो स्किन मेरी एकदम सॉफ्ट सी फील करती है, लाइक पॉन्ड से भी ज़्यादा फील करती है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं इसे लगा चुकी है वो उससे बेहतर है, ऐसा कुछ नहीं। वो वाली मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो मेरे स्किन पे मॉइस्चर लॉक करके रखती है और मुझे ऑयल नहीं प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये वाली जो है अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेती हूँ गर्मियों के टाइम पे तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ी सी स्टिकी टाइप की है। लेकिन बात कर लीजिए अगर आपकी स्किन ड्राई है और अगर आप गर्मियों के लिए कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हो तो आप बिल्कुल डेफिनेटली इसको ले सकते हो। और मेरी मम्मा इसे रोज़ लगाती हैं, उनकी स्किन का तो मुझे पता ही नहीं कौन सी है, लेकिन फिर भी जब वो लगाती हैं उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट लगती है, ग्लोई लगती है। तो मैं तो आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप इसे जरूर यूज़ करो। बात करें इसके साइड इफेक्ट की, तो साइड इफेक्ट मुझे हुए नहीं थे, 2 महीने मैंने यूज़ किया है इसे, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, पॉन्ड से ज़्यादा किया है इसे और मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ा सा आपको लगता है कॉस्टली है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेस करोगे तो आपको थोड़ा सा ऑफ में भी मिल जाएगा, थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है आपको। लेकिन वही है, मार्केट में लेने जाओगे तो आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है। ये 15 ग्राम्स का मुझे पड़ा है 115 पे, यानी कि 115 पे मुझे मिला है। तो ऑनलाइन आपको क्या हो सकता है 90 में मिल जाए, थोड़ा सा होता है ना कि ऑनलाइन हमें थोड़ा सा ऑफ मिल सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पूरा ऑफ तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ऑनलाइन में यही फ़ायदा है कि आपको थोड़े से डिस्काउंट्स देखने को मिल जाते हैं। बट एक्चुअली मुझे ऑफलाइन उतना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं ऑनलाइन परचेस ज़्यादा करती हूँ। लेकिन वही है कि मुझे कैश ऑन डिलीवरी करना पड़ता है, मैं UPI ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो कभी कभी ये मुझे कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिल पाता है। तो यही है कि मैं कहूँगी कि आप इसे ज़रूर बाय करें, क्योंकि इसमें विटामिन ई भी है। तो विटामिन ई हमारे मॉइस्चर को अच्छा सा लॉक करता है और एक अच्छा सा इफेक्ट भी देता है स्किन पर, जो आपकी स्किन को रिपेयर करने में बहुत अच्छा काम करता है। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि पीच मिल्क स्किन परफेक्ट कलेक्शन विटामिन ई क्रीम मॉइस्चराइज़र 24 मॉइस्चराइज़र लॉक नॉन स्टिकी। 24 आवर्स का नहीं पता, लेकिन अगर आप एक बार लगा लेते हो तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कुछ नहीं लगाया है, आपकी स्किन खाली खाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रेट परचेस और ग्रेट डील है, क्योंकि अगर आप इसे ख़रीदते हो तो आप इसे निराश नहीं होंगे। मैं इसके बारे में अगर एक वर्ड में कहूँ ना कि ये कैसा हमारे स्किन पे काम करता है, तो अगर आपको स्किन अपनी सॉफ्ट सी चाहिए, मतलब छूने पर लगे एकदम सॉफ्ट हो गई है, मतलब ये नहीं कि मुझे फेयरनेस चाहिए, ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको अपने स्किन सिर्फ सॉफ्ट चाहिए, छूने पर एकदम बेबी जैसा सॉफ्ट चाहिए ना, तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और 1 महीने यूज़ करने के बाद आपको डेफिनेटली इससे लव हो जाएगा। मुझे भी हो गया था, लेकिन फिर मैंने पॉन्ड्स के बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देखे तो मुझे काफ़ी वो अच्छा लगा। हालांकि मैं खुद रिव्यूज़ दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जो चीज़ें परचेस कर रही हूँ उसे मैं आपके सामने रखूँ, और जो मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है मैं आपके सामने रखूँ, कुछ भी झूठ ना बोलूँ। तो अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इंग्रेडिएंट्स इनकी बहुत ज़्यादा है और मुझे समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा इन्होंने लिखा है कि समझ पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जब भी ख़रीदना तो आप इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप इस पर विश्वास कर सकते हो, लैक्मे बहुत पुरानी कंपनी है तो हम इस पर बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं। पहले मैं लैक्मे का फाउंडेशन भी यूज़ करती थी, हालांकि मैं अब नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं एज अ डस्की स्किन टोन मैं अपना ही स्किन टोन का अब यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे उसमें थोड़ा सा लगता है कि मुझे प्रोवाइड नहीं हो पाता है लैक्मे में। लेकिन अब वेरियंट आ चुके हैं उनमें, लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए मैं इस समय मेबलिन का ही यूज़ करती हूँ।
तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इसे परचेस कर रहे हो तो बिल्कुल परचेस कर सकते हो बेझिझक, अगर आपको अपनी स्किन में एक अच्छा सा मॉइस्चर, एक अच्छा सा चाहिए कि हाँ एक स्किन पे मॉइस्चर रहे, मुझे कुछ और लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो नॉर्मल जो ड्राई और ऑयली, तो ओवर ड्राई स्किन के लिए मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगी। बाकी अगर आपको अपनी स्किन में एक अच्छा सा मॉइस्चर इफेक्ट चाहिए तो आप बिल्कुल इसे ले सकते हो। हालांकि मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि पॉन्ड्स बेकार है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी स्किन सॉफ्ट सपल चाहिए जो कि एकदम बेबी सा लगे तो आप इसे बिल्कुल ले सकते हो। काफ़ी मुझे बहुत पसंद आया था। पॉन्ड्स में क्या है कि पॉन्ड्स को लगाने के बाद मुझे अपनी स्किन में नॉन स्टिक सा फील होता है और एक अच्छा सा मुझे लुक प्रोवाइड करता है और जो मेरा प्राइमर का भी अच्छे से काम कर जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा वो चीज़ नहीं है, तो वो मुझे इसलिए भी थोड़ा पसंद है क्योंकि मैं मेकअप के बाद उसे एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा डेली बेस। अगर मैं कहूँ कि अगर आपको सजेस्ट करूँ तो मैं यही करूँगी क्योंकि ये अच्छा सा मॉइस्चर लुक भी देता है और काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी देता है। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया है और मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि कैसा है। और मैंने जैसा बता ही दिया है कि अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई, हल्की ड्राई, मतलब ये नहीं कि बहुत ओवर ड्राई है, तो आप इसे लोग ओवर ड्राई के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा क्रीम बेस है, आपको जेल बेस लेना चाहिए। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस स्किन को ये यूज़ करना है और किस स्किन को नहीं यूज़ करना है। वैसे तो आप इसे यूज़ कर ही सकते हो ऑल स्किन, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ओवर ड्राई है आपकी स्किन तो मत यूज़ करना, और ओवर ऑयली है भी तो भी मत यूज़ करना क्योंकि ये क्रीम बेस है तो ऑयली स्किन पे थोड़ा सा नहीं भी जा सकता है, और ओवर ड्राई स्किन के लिए थोड़ा सा उन्हें और थिक पे जाना होगा। लेकिन मैंने आपको इसकी कंसिस्टेंसी तो दिखाई नहीं, तो चलो इसको एक बार देख भी लेते हैं कि कैसा है। सो ये देखिए, मैंने ऑलमोस्ट ये ख़त्म हो चुका है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं नहीं लगाती, मेरी मम्मा लगाती हैं, तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है, तो उनकी स्किन उतना ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती है और ना ही उतनी ओवर ड्राई है, तो उनके पे अच्छे से ही जाता है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये ब्लेंड हो जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि आपकी स्किन में कि ये, मतलब समझो कि आपकी स्किन को मॉइस्चर मिल जाता है इसे लगाने के बाद और एक अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो अगर आपको अगर इसे परचेस करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, और मैंने तो आपको बता ही दिया कि किन लोगों को यूज़ करना है किन लोगों को नहीं। तो आई होप कि आपको कोई भी डाउट ना हो। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, खोज के लाना पड़ता है क्योंकि मैं जानती हूँ। और मैं ऊपर से डस्क स्किन, अगर कोई डस्क स्किन गलत देख ली तो उसके थोड़ा सा हेल्पफुल मैं सोचती हूँ कि हो जाए, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप के लिए मैं बनाती हूँ कि हर स्किन के लिए हो। लेकिन जो मैंने फेस किया है, मैं चाहती हूँ कि और जो डस्क स्किन गले उन्हें फेस ना करना पड़े। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेमो देख के जाना। बाय।